हेलो एवरीवन, हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के और दो सम करने जा रहे हैं। देखो, सम नंबर 5, इफ y इक्वल टू लॉग x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। हाँ, जाना पहचाना लग रहा है ना? यस, हमने इसका डेरिवेटिव y के ऊपर से dy by dx ऑलरेडी एक बार फाइंड कर चुके हैं, अगले वीडियो में देख लेना। तो यहाँ पर हमको प्रूव करना है ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू, मतलब कि हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसका आंसर में। y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, दैट इज y1 इक्वल टू, आगे आपको देख रहा है। देखो, यहाँ कोई लॉग की प्रॉपर्टी नहीं है, लॉग ऑफ a प्लस बी ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम डायरेक्ट लॉग ब्रैकेट दिख रहा है हमको। तो चेन रूल से लॉग ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 अपॉन ब्रैकेट इनटू, ब्रैकेट की साइज देखो इतनी मैंने की हुई है, इनटू ये ब्रैकेट का डेरिवेटिव यहाँ लिखने जा रहे हैं। उसमें भी कितनी टर्म है? दो टर्म है, वो बीच में प्लस है, तो एडिशन रूल आएगा। एक्स का डेरिवेटिव पहले यहाँ लिख देते हैं, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो, एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 प्लस, अभी आपको क्या दिख रहा है, आप ऐसा भी ले सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ इसका डेरिवेटिव, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं अभी 1 प्लस रूट दिख रहा है आपको। तो रूट का डेरिवेटिव हमने कैसे याद किया था? यहाँ पर सिंपल रूट एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे ब्रैकेट लैंग्वेज में? रूट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट, ठीक है, एक्स नहीं है तो वापस चेन रूल आएगा, इनटू इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखना है। अभी यहाँ क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव यहाँ लिखना है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x प्लस 1 अकेला कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव क्या आएगा? 0, जो मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ, प्लस 0 नहीं लिख रही हूँ। यहाँ तक आ गए? देखो, चेन रूल से वापस लॉग ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 अपॉन ब्रैकेट इनटू डी बाय डी एक्स ऑफ दिस, मतलब कि इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस रूट ब्रैकेट का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट ब्रैकेट इनटू, ये ब्रैकेट में फिर से दो टर्म है, तो एक्स का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है। थोड़ा देखते हैं कि कुछ कैंसल आउट होता है, 2 कैंसल आउट होता है, तो रीराइट करते हैं टर्म, एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 प्लस, अब ये क्या आएगा? एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। आगे जाके हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये टर्म तो हम एज इट इज लिखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो, अभी ये पूरा का पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो रहा है, ये एक्स प्लस रूट है, ये भी एक्स प्लस रूट है, कैंसिल हो गया, तो बचा 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। अभी हम y1 तक तो पहुंच गए, हमको यहाँ पर y2 फाइंड करना है। तो थोड़ा सोचो कि ये रिलेशन कैसा है कि y2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई में आ रहा है, क्या है ये? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है, लेकिन ये रूट में है, यहाँ रूट नहीं है, तो आपको एक ख्याल आना चाहिए कि ये रूट को हटाना है, तो हम रूट को हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं तो यहाँ क्या मिल जाएगा? y1 का डेरिवेटिव y1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये रूट निकल जाएगा, ठीक है, ओके। अभी देखो, डिवीजन में जो है, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई में है ना किसी के साथ, तो ये डिवीजन में है, तो डिवीजन मतलब यहाँ पर उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये प्रोसीजर मोस्ट ऑफ द सम, दूसरा सम में भी वही आने वाला है कि अगर जब भी रूट होता है तो रूट को निकाल दो, रूट को निकालने के लिए स्क्वायरिंग करने का, और डिवीजन में जो है क्रॉस में लोगे तो डिवीजन रूल से अच्छा मल्टीप्लिकेशन रूल इजी है। तो इसके बाद में यहाँ क्रॉस में लेती हूँ तो आएगा y1 स्क्वायर इनटू ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 1, और सामने क्या हुआ? 1, क्लियर। अभी हम सिंप्लीफाई हो गए, अभी हम डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कितने फंक्शन है? वापस 2 फंक्शन है, और कैसे जुड़े हुए हैं? प्रोडक्ट रूल। तो ये एक का डेरिवेटिव करेंगे तब दूसरा एज इट इज, प्लस दूसरा का डेरिवेटिव करेंगे तब पहला एज इट इज। चलो, y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? वो पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐसी टर्म आती है तो शॉर्ट नोटेशन में कैसे याद रखेंगे। ब्रैकेट का स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 ब्रैकेट इनटू y1 का डेरिवेटिव y2, क्लियर, इनटू, देखो ये मैंने u डैश किया तो v तो ऐसे ही लिखना है, u डैश v प्लस u मतलब y1 स्क्वायर एज इट इज इनटू इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा ब्रैकेट में? x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, तो मैं नहीं लिख रही हूँ,
सामने भी क्या है, सिर्फ वन है, वन का डेरिवेटिव वापस क्या होगा, अकेला कॉन्स्टेंट जीरो। देखो यहां पर आ गया, कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, वाई वन यहां पर भी है, वाई वन दो बार यहां पर भी है, टू भी है, टू भी है, तो हम क्या कर रहे हैं, टू वाई वन कॉमन आउट करते हैं, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू वाई टू, और यहां से टू गया, एक वाई वन गया तो एक रहा, तो प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू जीरो। देखो ऐसा आया, नाउ टू वाई वन कभी जीरो का है, टू वाई वन इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो, कभी भी टू वाई वन जीरो नहीं हो सकता है, तो अगर हम टू वाई वन जीरो नहीं लिखेंगे तो बाकी कौन सा रिजल्ट बचा, ये बचा, तो हम लिखेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन के बदले में वन प्लस एक्स स्क्वायर लिख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है, तो वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू जीरो। देखो ये रिजल्ट देखो, वन प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन इक्वल टू जीरो, पूरा का पूरा रिजल्ट आपको मिलने जा रहा था, इजी हो गया, क्लियर। देखो इसके जैसा ही है सम है, हम आधा सम करते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x, देन प्रूव दैट वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इक्वल टू जीरो, यहां पर प्लस था और यहां पर माइनस है, यहां पर प्लस था यहां पर माइनस है, बाकी सेम टू सेम सम है, देखो क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है लेकिन उसका प्रूव दैट पार्ट सेम है, देखते हैं कैसा करेंगे। y दिया हुआ है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव y1, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको याद है क्या है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। देखो हम कहां पर पहुंच गए, सीधा इसके जैसा हम आ गए, वाई वन इक्वल टू वन अपॉन रूट था एक्स स्क्वायर प्लस वन, उसके जैसा दिख रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिवीजन हमको अच्छा नहीं लगता है, हम क्या करेंगे, अच्छा सॉरी ये उल्टा हो जाएगा, रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने जो लिखा था वो टेन इनवर्स ऑफ एक्स का था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्जेक्टली हम यहाँ पहुंच गए, रूट भी आ गया, वाई वन भी आ गया, यहाँ प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो सेम टू सेम प्रोसीजर करेंगे, पहले हम स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, तो वाई वन स्क्वायर इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाई वन स्क्वायर इंटू ब्रैकेट वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन। ओके अभी यू इंटू वी करेंगे, तो वाई वन स्क्वायर का डेरिवेटिव टू वाई वन इंटू वाई टू इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, और वन माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, देखो वन का डेरिवेटिव जीरो लेकिन ये माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस एज इट इज रहेगा, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स आएगा इक्वल टू अकेले वन का डेरिवेटिव जीरो। थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में करेंगे, और देखो टू वाई वन दोनों में है, तो पहले हम टू वाई वन कॉमन आउट भी कर लेंगे साथ में, ये है वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू, और ये नेगेटिव साइन ले लेंगे, एक वाई वन बच जाएगा, तो एक्स वाई वन इक्वल टू जीरो। नाउ वी नो दैट टू वाई वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर वाई वन जीरो होगा तो वाई टू कहां से मिलेगा, सो टू वाई वन नॉट इक्वल टू जीरो, एंड देयरफॉर रिमेनिंग ब्रैकेट इक्वल टू जीरो, दैट इज वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन इक्वल टू जीरो। क्लियर, थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर साइन टेन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, बट साइन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर।